वेलकम टू नूर बावर्ची खाना। आज हम बनाने जा रहे हैं दही पकौड़ियाँ। सबसे पहले दही पकौड़ियाँ बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए, सबसे पहले हम बेसन लेंगे 300 ग्राम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून, ये कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद हमने डालनी है इसमें पिसी हुई मिर्च, ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। उसके बाद नमक आपने डालना है इसमें हसबे जायका। उसके बाद जो है नमक डालेंगे हसबे जायका। उसके बाद हमने डालनी है अजवाइन 1.5 चम्मच, टीस्पून 1.5 टीस्पून। उसके बाद हमने डालना है सफ़ेद ज़ीरा, वो भी हम डालेंगे 1.5 टीस्पून। उसके बाद हमने डालना है पिसा हुआ धनिया, ये भी हम 1 से 1.5 टीस्पून डालेंगे। उसके बाद हमने डालना है चाट मसाला 1 टीस्पून। उसके बाद हमने डालना है बेकिंग पाउडर, हमने 1/2 टीस्पून डालना है। गरम मसाला हमने डाल लिया है, वो 1 टीस्पून डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, 1 गट्ठी छोटी आपने लेनी है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम सूखी मेथी 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून डालने हैं। इसमें हम कुकिंग ऑयल भी यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून। चलिए, हमने इसमें ऑयल इसलिए यूज़ करना है ताकि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो नरम नरम बने। इसके बाद हमने दही डालना है इसमें 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के इसका मिक्सचर बनाएंगे। हसबे ज़रूरत आप इसमें पानी डालेंगे। अब हमारा बेसन जो है वो पकौड़ियों के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने पकौड़ियाँ बनाने के लिए जो है कढ़ाई ऊपर रख दी है, तेल गर्म होने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, तेज़ नहीं करनी ज़्यादा, ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। हमने बिल्कुल छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाली हैं, बड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं डाली हैं पकौड़ों जितनी। ये पकौड़ियाँ हैं, पकौड़े नहीं हैं। जब तक हमारी फुलकियाँ तैयार हो रही हैं हम अपना दही तैयार कर लेंगे। दही मिक्स करने के बाद हम उसमें नमक डालेंगे, हसबे जायका नमक डाल सकते हैं। उसके बाद चाट मसाला डालेंगे, ये भी आप हसबे जायका या 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। हमारा दही तैयार है। अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट शामिल कर रहे हैं। हमने आलू बॉईल करके रखा हुआ था, 2 से 3 आलू आपने कट करके बॉईल कर लेने हैं, क्यूब्स में कट करने हैं। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 दरमियाने साइज के टमाटर काट के डालेंगे, और प्याज हमने काट के रखे हुए थे 2 से 3। उसके बाद हम हरी मिर्चें 3 से 4 आपने काट के डाल देनी है। इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। पकौड़ियाँ डाल के अंदर अच्छी तरह टिप करेंगे ताकि जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। अब हमने इसकी गार्निशिंग की है हरे धनिया और हरी मिर्च के साथ। अब ये हमारी दही पकौड़ियाँ जो है तैयार है, ऊपर हमने चाट मसाला छिड़क दिया।